फ्रेंड्स, मैं पीएम सैनी, पीएम टेक्निकल चैनल से आज वाइंडिंग कर रहा हूँ। मिनी कूलर की मोटर है ये, देखो इसकी स्टटर की लंबाई आएगी आपने, जो ये की मोटाई आ रही है ये 1 इंची है। और रनिंग में 36 नंबर वायर ले रहा हूँ मैं दोस्तों। इसकी लंबाई आएगी 29 इंच, सिंगल वायर ले लेंगे, उसकी कोयल बना लेंगे। कोयल बनने के बाद 14.5 इंची रह जाएगी, अगर कोयल बनने के बाद लंबाई नापते हैं तो। वैसे 29 इंची वायर लेंगे, उसी की कोयल बना लेंगे दोस्तों। 350 राउंड डालूंगा दोस्तों इसमें, ऊपर वायर से वाइंडिंग कर रहा हूँ। इसकी कोयल बनेगी दोस्तों। इसके डाटा के बारे में और पिच के बारे में बता देता हूँ, कहाँ कहाँ डलेंगे, कैसे कैसे डलेंगे। देखो दोस्तों, 1 और 8 में डलेगा रनिंग में, बीच में 6 पिच का लीचर जैसे यहाँ डाल रहे हैं, ये इसमें कोयल आ गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये पिचकाली रह जाएंगे और इसमें आ जाएगी। और 1 और 8 में 1 राउंड डलेगा दोस्तों, और 1 और 10 में भी 1 राउंड डलेगा, और 1 और 12 में भी 1 राउंड डलेगा। आमने सामने दोनों कोयलें डल जाएगी। उसी प्रकार से स्टार्टिंग में लेंगे, स्टार्टिंग में 36 नंबर वायर से वाइंडिंग करूँगा। कोयल की लंबाई ले रहा हूँ 28 इंची सिंगल वायर, उसके बाद में उसकी कोयल बना सकते हैं। और राउंड डाल रहा हूँ 330, 36 नंबर वायर से दोस्तों, उसकी भी लंबाई 28 इंची रहेगी। और उसके बाद में वाइंडिंग होने के बाद में कोयल बन गई। इसकी भी कोयल बनने के बाद में 28 इंची की जगह 14 इंची रह जाएगी। 28 इंची तो लंबा वायर लेंगे एक, और फिर कोयल बनाते हैं दोस्तों। इसके भी पीछे उसी प्रकार से होंगे, पहले में होंगे अपने 1 और 8 में, दूसरी होगी 1 और 10, तीसरा 1 और 12 में, वो बीच 6 पिच खाली रह जाएंगे दोस्तों। तो मैं डालता हूँ दोस्तों, एक कोयल मैंने बना ली, देखो ये कोयल डाल दी मैंने, देखो दोस्तों ये इसमें डाल दिया। स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ से मैंने किया है, तो बीच में 6 पिच खाली रह गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये देखो 1 और 8 में डाल दी। अब नेक्स्ट राउंड आएगा, इसमें ये घूम के इसमें आ जाएगा, ये देखो इसमें आ जाएगा, इधर घूम के इसमें आ जाएगा, ये हो गया 1 और 10 का। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें और इसमें आ जाएगा, तो ये राउंड हो जाएगा 1 और 12 का। दोस्तों मैं इसको घुमाता हूँ, देखो राउंड डालता हूँ, देखो 1 और 10 में मैंने एक एक राउंड डाल दिया, ये देखो एक इधर आ गया, एक यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार से 1 और 12 में 1 राउंड लेगा, तीनों में 1-1 राउंड लेंगे दोस्तों। इसमें आमने सामने कोयले डलेगी, तो मैं डालता हूँ इस कोयल को कंप्लीट। तीसरे और आखिरी राउंड में जैसे टर्न कर लो इसको, ऐसे टर्न कर लो, ये आमने सामने से ये आगे की इधर आगे चले जाएगा, और ये इधर घूम के इस साइड से इसमें इस वाला पिच में डाल दूंगा, देखो इस वाले पिच में डाल दूंगा, और इधर इसमें डाल दूंगा, 1 और 12 में 1 राउंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, तीनों में डाल दिया मैंने, एक कोयल डल गई है रनिंग की, आधी वाइंडिंग हो चुकी है जैसे, ये देखो ये अपने पास कनेक्शन रह गया दोस्तों, ये इनर रह गया और ये आउट रह गया। इसके कनेक्शन आगे बताएंगे किस प्रकार से होते हैं, देखो दोस्तों। अब नेक्स्ट सामने मैं दूसरी कोयल डालूंगा इधर, तो दोस्तों मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जैसे 1 और 2 और 3 में डल जाएगी, इससे डलूँगा ना, ये बीच में 6 पिच खाली रह जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रह जाएंगे। इसके बाद में 1, 2 और 3 में 1-1 राउंड डल जाएगा दोस्तों। तो बताता हूँ दोस्तों किस प्रकार से डालते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप एलुमिनियम वायर से भी वाइंडिंग कर सकते हो, ये पहले एलुमिनियम में थी, मैंने इसको कॉपर में किया है। अगर एलुमिनियम में करते हो आप तो 35 नंबर वायर से होगी, राउंड आएंगे इसके 330 रनिंग में, और स्टार्टिंग में राउंड आएंगे 300 राउंड आ जाएंगे दोस्तों। लंबाई दोनों अभी पहले बताया था उसी प्रकार से रहेगी, लंबाई रनिंग में 29 इंची रहेगी और स्टार्टिंग में 28 इंची रहेगी। कैसे भी वाइंडिंग कर सकते हो, लेकिन कॉपर में क्या लॉन्ग लाइफ रहती है, कभी हीट नहीं खाएगी, जलेगी नहीं। ये ऐसी वाइंडिंग डाटा है दोस्तों, मेरे पर्सनली यूज़ किए हुए डाटा है, और ये मोटर भी मेरी पर्सनली स्वयं की है, इसीलिए इसको
को प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। स्पीड काफ़ी अच्छी नहीं मिलेगी इसकी, 1400 आरपीएम है इसकी दोस्तों। दूसरी कॉइल मैंने पहले स्लॉट में डाल दी, देखो दोस्तों एक और आठ में डल गई, एक दो तीन चार पाँच और ये छः पिचकारी रह गई बीच में, दिख रहे होंगे आपको। तो डालने से पहले ऐसे देख लिया करो, जैसे इधर से गिन लो आप चाहे तो, यहाँ से गिनोगे दो पिचकारी छोड़ दो, तीसरे में डाल दो, ये इधर से भी देखो डालेंगे तो ये दो पिच एक और दो खाली रह गया, तीसरे में डल गया, फिर ऑटोमेटिक यहाँ बीच में आ जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः पिच खाली रह गया, तो एक और आठ में डल जाएगी। नेक्स्ट वाला राउंड इसमें आ जाएगा, एक एक इसमें आ जाएगा, इसमें भी एक एक राउंड डलेंगे, इसमें एक राउंड डाल दिया, इसमें भी एक राउंड डलेगा, इसमें भी एक राउंड डलेगा दोस्तों। तो इसको घुमा के मैं डालता हूँ दोस्तों सेकेंड वाला राउंड, दूसरा राउंड भी डाल दिया, देखो मैंने ये वाला डाल दिया, इधर ये आ गया, इधर ये आ गया, इसमें भी एक ही राउंड लेगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखा है पहले भी, कूलर मोटर वाइंडिंग, एग्जास्ट मोटर वाइंडिंग, सभी प्रकार की मोटर की वाइंडिंग है, पंखे की वाइंडिंग भी है दोस्तों, आप देख सकते हो पिछले वीडियो मेरे में, कनेक्शन के बारे में, सभी प्रकार के वाइंडिंग के बारे में आप देख सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट इसको लग डालूँगा मैं, ये है तो इसको राउंड में करूँगा, ऐसे ये घुमा दिया जैसे ऐसे, पहले भी आपको बताया था, ये डाल के इस प्रकार से इसमें नेक्स्ट जो बच रहा है इसमें डाल देता हूँ दोस्तों। ये रनिंग की वाइंडिंग कंप्लीट हो गई, दोनों कोयले डल दिए आसने सामने, अब जो बीच में बच रहे हैं छः छः पिच इसमें स्टार्टिंग के डलेंगे, अब इनके बाद में इस पर कोटिंग कर देंगे कॉटन टेप से, ताकि स्टार्टिंग और रनिंग आपस में टचिंग नहीं हो, तो मैं कॉटन टेप से इसको चिपका देता हूँ दोस्तों। दोस्तों मैंने कॉटन टेप से अच्छी तरह कवर कर दिया, ये पेस्टिंग वाली कॉटन टेप है जो तारों की चिपक जाती है, हटेगी नहीं वापस, ये देखो दोनों तरफ से कवर कर दिया। इससे फ़ायदा ये रहेगा स्टार्टिंग और रनिंग आपस में टचिंग नहीं होगी, ये देखो दोस्तों ये इस प्रकार की टेप आती है, कॉटन टेप आती है पेस्टिंग वाले, इसमें से निकाल के लगा देते हैं दोस्तों। हमेशा जो ये पाइप पेपर लगाते हो आप बीच में, ये जैसे तो ये कागज़ का मत लगाना दोस्तों, पीवीसी पेपर ही लगाओ, क्योंकि ये पानी में रहती है तो पानी में कागज़ का सीलन आके ख़राब हो जाता है, करंट आ जाता है कई बार मोटरों में, पीवीसी में अगर गीली भी हो जाएगी तो करंट नहीं आएगा आपस में, बॉडी की टच नहीं होगी। स्टार्टिंग की दो कोयल बना ली मैंने, देखो ये बना ली, अब इसको डालना बताता हूँ किस प्रकार से कहाँ डालेंगे। देखो दोस्तों ये जो पहले अपने रनिंग की डली हुई है, छः कोयले आ गई, देखो छः पिच रह जाएंगे, एक दो तीन इधर गिरे गए, एक दो तीन इसके टोटल छः को पिच रह गए डली हुई, उनको छोड़ दो, और इधर से जो फर्स्ट वाला पिच आएगा, देखो ये इधर भी फर्स्ट वाला आ जाएगा और इधर भी ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले राउंड, इसमें एक एक राउंड डलेगा दोस्तों, सभी में एक एक राउंड ही डलेंगे इसमें, स्टार्टिंग में एक एक राउंड लेगा तीनों में, तो ये हो जाएगा एक और आठ, एक और दस और एक और बारह, तो ये डाल के बताता हूँ देखो आपको मैं किस प्रकार से डाल दूँ। ये देखो स्टार्टिंग है, मैंने पहले कोयल का पहला राउंड डाल दिया है, ये डाल दिया यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः ये पिचकारी रह गए, एक और आठ का ये डल गया। नेक्स्ट इससे आगे वाले में डाल दूँगा, ये इधर है जैसे, ये देखो दोस्तों ये आगे खाली पड़ा है इसका, इसमें डलेगा, और इस साइड में ये आगे खाली है देखो, इसमें डल जाएगा, एक एक राउंड डाल दूंगा इसमें, तो नेक्स्ट वाला राउंड भी डालता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों स्टार्टिंग की पहली कोयल का मैंने सेकंड वाले में एक राउंड डाल दिया, एक और दस में ये डाल दिया, आप यहाँ से गिन सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस, एक और दस में एक राउंड डल गया। इसके बाद में एक और बारह में एक राउंड डाल दूँगा मैं, एक तो इधर आ जाएगा, एक ही आगे इधर आ जाएगा, देखो दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे डालता हूँ इसका, उसके बाद में सामने दूसरी वाली कोयल डालेंगे। स्टार्टिंग का एक कोयल का ये सेट कंप्लीट डाल दिया, तीनों में डल गया देखो दोस्तों, ये डाल दिया तीन, अभी इसके जस्ट सामने इधर ये तीन पिचका लिए, इसमें दूसरी कोयल डलेगी, इधर देखो पहला राउंड इसमें आ जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, उसी प्रकार की इसका ये सामने की साइड में देखो दोस्तों, ये आ गया, तीन ही पिच इधर खा लिए, ये छः
बीच में रह जाएंगे रनिंग वाले, और इसमें इसमें फर्स्ट वाला डालेंगे, एक और छः में डल जाएगा पहले वाला कॉइल। देखो दोस्तों ये डल जाएगी इसमें और इसमें आ जाएगा, मैं पहली ये डालता हूँ कोयल का, पहला राउंड डाल रहा हूँ स्टार्टिंग का, दूसरी कोयल का पहला राउंड डाल दिया मैंने एक और आठ में, अब एक दस और एक बारह में डाल देता हूँ दोस्तों, आगे वैसे वैसे डलते रहेंगे। दोस्तों वाइंडिंग कंप्लीट कर दिया, देखो स्टार्टिंग रनिंग की दोनों की दो दो कोयल डाल दिए मैंने, चारों कोयल डाल दी। दोस्तों मिनी कूलर की वाइंडिंग बहुत फास्ट होती है, सबसे जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें चार ही कोयल डालनी होती है, दो रनिंग की दो स्टार्टिंग की। अब दोस्तों वाइंडिंग तो हर कोई कर सकता है, कोयल कोई भी डाल सकता है, इसके बाद में आता है कनेक्शन, तो मेन चीज़ होती है कनेक्शन करना, कोयल की कनेक्शन किस हिसाब से होती है, मोटरों की ये सीरीज में होती है कैसे होती है। तो दोस्तों इसकी सीरीज में कनेक्शन होती है, सीरीज में करने के बाद इसको कॉमन करेंगे, दो तार मेन सप्लाई के 220 वोल्ट के निकाल देंगे, दो कैपेसिटर के निकालेंगे, क्योंकि दोनों अगर बाहर निकालते हैं वैसे तो कई बार क्या होता है कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं, तो कैपेसिटरी कोयल में अगर सप्लाई दे देंगे तो कैपेसिटरी की आपके कोयल शॉर्ट हो जाएगी और मेन कोयल सही रह जाएगी सीरीज वाली। तो कैपेसिटर की और मेन सप्लाई अंदर से ही बाहर निकालेंगे अपने, दोनों अलग अलग तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रनिंग वाली, देखते हैं रनिंग ये जो अंदर से आ रही है, एक ये है अपने पास, इसमें एक ही बाहर से जो राइट साइड से देख लो आप, ये राइट साइड इसको हमने यहाँ रख ली कनेक्शन के लिए, और इधर इस कोयल का आ गया जैसे लेफ्ट साइड से अंदर से आ रहा है, और जस्ट इसके आगे देख लो आप, इसमें से एक तो बाहर का आ रहा है जैसे ये वाला, और ये है अंदर वाला जो अंदर जा रही है, तो ये इसका इधर से लेफ्ट साइड का आ रहा जो बाहर वाला अंदर वाला, और इसका इस कोयल का भी जैसे इस साइड से आ रहा है ये इधर से जा रहा है, इन दोनों को एक जगह कनेक्शन कर देंगे दोस्तों, एक जगह अटैक करके इनको जड़ा के इसका इंसुलेशन हटा के सोल्डिंग करके पीवीसी लगा देंगे, ये देखो स्लिप लगा देंगे। अब अपने पास बच रहे हैं एक ये इस कोयल का, ये देखो इसका राइट साइड का है, और इसी कोयल का भी ये राइट साइड का, ये दोनों बच जाएंगे, ये मेन सप्लाई पावर सप्लाई के हो जाएंगे 220 वोल्ट। तो मैं पहले इसमें स्लिप लगा के बता देता हूँ आपको, रनिंग की तो सीरीज बना दी, अभी स्टार्टिंग की सीरीज बनेगी दोस्तों। ये इनर है, जैसे ये इनर इस साइड से आ रहा है लेफ्ट साइड से, ये आउटर है राइट साइड से आ रहा है। तो दोस्तों इस कोयल का इनर और इसके जस्ट नेक्स्ट है ये वाला, इसको ले लेंगे, और ये है कि कैपेसिटर की भी कोयल, ये इनर जो लेफ्ट साइड से इधर से आ रहा है, ये राइट साइड का आ गया, देखो ये राइट साइड का है इसमें ये वाला, इसको रख लेंगे कनेक्शन के लेके। अब इसका लेफ्ट साइड का और इसी का भी लेफ्ट साइड का, दोनों कोयलों को पहले रनिंग में किया था वैसे स्टार्टिंग में भी, एक जगह करके इसको स्लिप लगा के सेट कर देंगे, ये देखो दोनों का स्टार्टिंग और रनिंग के एक जगह करके सीरीज बना के मैंने कनेक्शन कर दिए। अब मेरे पास बच रहे हैं दो वायर तो बचेंगे अपने रनिंग के, ये देखो एक तो ये बच गया इस कोयल में से राइट साइड से आ रहा है वह आउटर, और एक इसका बच गया ये आउटर, देखो ये बच रहा है मेरे पास, ये दोनों रह गए। अब इसके लिए दोस्तों सीरीज बनाने के बाद अब कॉमन करना पड़ेगा मेन सप्लाई के लिए, तो जैसे ये ले लिया मैंने इस साइड का, ये इस तरफ का ये रनिंग का ले लिया, देखो ये आ रहा है इधर से, और जस्ट इसके साथ में इस साइड का ये कंडेंसर का ले लिया मैंने कैपेसिटर वाले, इन दोनों को एक जगह कर दूंगा दोस्तों, और इसमें स्लिप लगा के इन दोनों को एक जगह करके इनका इंसुलेशन हटा के, और इसमें एक मेन लाइन कॉमन वाली लगा देंगे सप्लाई की। तो इनको मैं देखो स्लिप लगा के एक जगह करता हूँ, ये देखो दोनों को मैंने एक जगह कर दिया, ये कॉमन 220 वोल्ट सप्लाई आ जाएगी, एक ये कर दिया मैंने, इन दोनों को कॉमन कर दिया। अब मेरे पास बच रहा है एक ये देखो ये रनिंग वाला वायर है, इसको भी मैं एक 220 वोल्ट की सप्लाई दूंगा दोस्तों, इसके साथ में एक वायर निकालूंगा जो कैपेसिटर में जाएगा, तो दूसरा वायर इसमें से निकालता हूँ स्लिप डाल देता हूँ।
ये देखो एक कॉमन ये बनाई दिया था मैंने पहले रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों मिला के, एक ये रनिंग वाले में एक वायर निकाला हूँ मैंने यहाँ से स्लिप लगा के। ये देखो यहाँ से स्लिप में से दूसरा वायर निकाल लिया जोड़ के, इन दोनों का कनेक्शन यहाँ कर दिया मैंने। देखो सबको जला के इसकी इंसुलेशन हटा देंगे, बाकी वैसे अगर लगाओगे तो आप करंट नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों इधर देखो ये मैंने वायर निकाल दिया कैपेसिटर के लिए, इसके लिए दूसरा एक वायर आ रहा है ये स्टार्टिंग वाली कोयल का। तो ये दोनों तो हो गए अपने, कैपेसिटर के निकल जाएंगे दो वायर, ये देखो दोस्तों, और दो ये हो गया अपने रनिंग के। तो इनमें दोनों में वायर लगा के बताता हूँ आपको। देखो देखो फ्रेंड्स, ये दो मेन सप्लाई होगी 220 वोल्ट की आ गई अपने पास। ये लीड जो बाहर निकाल गई है मैंने इसको अब पैक कर दूंगा। ये आ गई अपने कैपेसिटर की दोनों, ये देखो इसमें से एक कैपेसिटर वाले कंडेंसर स्टार्टिंग में से लिया मैंने, एक मेन सप्लाई में दे दिया, ये दो कैपेसिटर में लग जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से इसको बांधूंगा मैं, तो यहाँ भी आप वायर कोयल के ऊपर कोटिंग टेपर लगा दो, ताकि कभी गर्मा के वायर ख़राब होते हैं तो अपने कोयलों में कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों ये देखो, तो मैं इसको वाइंडिंग को बिल्कुल बांध देता हूँ धागे से। दोस्तों वाइंडिंग कनेक्शन कंप्लीट हो गया। देखो मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह इसको कॉटन टेप करके धागे से अच्छी तरह वायर बांध दिया है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।